जो विरोधी है ये प्रभु के कामों में बहुत ही बाधाएं डालना चाहता है और वो चाहता है कि हम प्रभु के वचन को शेयर ना करें। और ये बाधा मेरे साथ जो है परसों से ही आ रही है और मैं आप सब से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम में ये साउंड की प्रॉब्लम दूर हो जाए और हम सब एक दूसरे से बातचीत कर सकें और प्रभु की हमदो सिताइश कर सकें और उसकी बड़ाई कर सकें। तो मेरे ख्याल से आपको वॉइस आ रही है तो आप प्लीज़ लिख दीजिए, और क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देख सकती हूँ और मुझे नहीं पता कि आपको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। प्लीज़ मुझे बताएं अभी तक। या ग्रेस सिस्टर जी ने लिखा है नो वॉइस, आरती चैत्री जी ने लिखा है नो साउंड, और अब तो मैंने ये भी लगा लिया है, अब भी वॉइस नहीं आ रही है तो बहुत दुख की बात है। यस नाउ अब वॉइस आ रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, आई प्रेज यू, आई थिंक, थैंक यू, हालेलुया हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस। इस काम में, प्रभु के काम में कोई भी रुकावट ना आए और प्रभु के इस काम में जो रुकावट विरोधी डालता है उसको मैं प्रभु यीशु के मसीह के नाम में डांट देती हूँ, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में काट देती हूँ। प्रभु जी हर तरह की रुकावट, नेटवर्क की रुकावट और ये साउंड की रुकावट, किसी टेक्निकल फॉल्ट की रुकावट, ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके और इस विनती को आप सुने और कबूल करें। आमीन। ओके यस, सो हम लोग सबसे पहले गीत गाएंगे और गीतों के बाद फिर हम वचन सुनाएंगे जो कि मेरी लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड है, और ये जो लेटेस्ट मेरे लाइफ में जो कुछ हुआ है उसके अनुसार ही ये वचन है। और परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा कितने सजीव रूप से बात करता है, और वो ऐसे हमसे बात करता है जैसे हमारे सामने बैठ के वो बात कर रहा हो। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जो चैप्टर मैंने आज खोला उसके ज़रिए भी प्रभु ने मुझसे बातें करी हैं, और मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज क्यों ना हम परमेश्वर की हमद और सिताइश करें, हम उसकी तारीफ़ करें और उसकी तारीफ़ में गाने गाएं और अपने धन्यवाद का जो सैक्रिफाइस है, अपने धन्यवाद का बलिदान उसके चरणों में लाएं और हम खुश हों और आनंदित हों कि प्रभु हमारे साथ है और उसकी हर प्रतिज्ञा हमारे लिए सच है और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो ही इज़ द ट्रूथ एंड ट्रूथ सेट्स अस फ्री, और ट्रूथ ही हमको जो है हर प्रॉब्लम से, हर झूठ से, हर परेशानी से, हर रोग से बचाता है। और वो ट्रूथ, वो सच्चाई कौन है? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो वो एक गीत मैंने उस दिन शुरू किया था लेकिन सिर्फ कोरस ही गाया था, आज हम पूरा गीत वो गाएंगे। प्रभु मी मगन रह तू, प्रभु में मगन, ए मेरे दिल मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। हर पल जो जिसको मिला है उसका है उसको ही दे, हर पल जो जिसको मिला है उसका है उसको ही दे, उसको ही दे। जीवन भर जिसको मिला है उसका है उसको ही दे,
जीवन के हर एक पलों में रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। जो कुछ भी जिसको दिया है ये है उसी का करम, जो कुछ भी जिसको दिया है ये है उसी का करम, मेरा न इसका न उसका सभी का है ये भरम। छोड़े के दुनिया की बातों को रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। हाँ, आप लोग सब सुन सकते हैं, आप भी मेरे साथ गाइए और आप मुझे ये शो करते रहिए कि आपको सुनाई दे रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। दुनिया के कितने भी रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक, दुनिया के जितने भी रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक वो पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों तक, रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। हाँ, मेरी आत्मा प्रभु में ही मगन रहे, क्योंकि उसी में सच्ची शांति है, उसी में सच्चा आनंद है। हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ए मेरे दिल मेरी जान, रह तू उसी में मगन, रह तू उसी में मगन। अब हम परमेश्वर की स्तुति में एक और गीत गाएंगे और मुझे आशा है कि आप सब सुन सकते हैं और आप सब भी मेरे साथ साथ गाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान ट्यून्स हैं इसकी और आप सब इसको कैचअप कर सकते हैं और जानते भी होंगे। कभी कभी ट्यून एकदम भूल जाते हैं कि कौन सी ट्यून में याद किया था, क्योंकि कई ट्यून्स आजकल आ गई हैं एक ही गाने की, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो चलिए हम प्रभु की महिमा करेंगे ये दूसरे गीत से। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की,
हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। ला 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 हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सुली से जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सुली से जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को उसमें रहे ना पाप। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हो ला 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 हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बहती धार, उससे बना लो खेवन हारा नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवन हारा नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हो ला 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 हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी शांति, रहना तुम तैयार। हालेलुया हो ला 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 हालेलुया आमीन। तो कितना प्यारा गाना है कि प्रभु यीशु मसीह सदैव हमारे साथ है, और जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो उस समय भी वो हमको लेने आएगा। और बहुत से प्रभु के लोगों ने ऐसा बताया है, और उन लोगों ने जो प्रभु के बहुत करीबी लोग हैं, और कुछ लोग जो हैं स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाके वापस भी आ गए हैं दुनिया में, उन्होंने अपनी गवाहियाँ दी हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनको लेने के लिए इस जगत में आए, और वो उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो खुद अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं। और ऐसे ही स्टीफन ने भी, लास्ट टाइम हमने शेयर किया था कि स्टीफन ने कहा था जब उसके पथराव हो रहा था, और जब जब उसकी जान, उसके प्राण निकलने वाले थे, तो उसने कहा
था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, और उसका यही मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह उसको अपनी बाहों में लेने के लिए खड़ा हो गया है। उसको उसका स्वागत करने के लिए, स्टीफन का स्वागत करने के लिए वो बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा है। तो इस गाने में भी यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप एक और गीत सुनना चाहते हैं तो मैं गा सकती हूँ, वो है संभाल प्रभु जी। और ये गीत इतने सुंदर हैं कि इनका एक एक शब्द जो है वो हमारी रूह को छू जाता है। तो आई होप आप सबको भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप सब अपने अपनी आत्मा में आनंदित होंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण स्थान है मेरा, वैसे ही तेरी छाया शरण स्थान है मेरा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, वादा जो तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा जो तूने किया छोड़े न कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से अपार, है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। कितना सुंदर गीत है ये भी, कि परमेश्वर हमारा पिता
हमें हर पल संभालता है और वो हर पल हमारी सुरक्षा करता है, और एक पल भी हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, एक पल भी हम उसके अनुग्रह और उसकी करुणा और उसके प्रेम के बिना नहीं रह सकते हैं। और इस गाने के वो जो शब्द हैं वो इतने सुंदर हैं, जिसमें जिसमें लेखक कहता है कि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर बना लिया है, हमारा चित्र उसकी हथेली पर है ताकि हम उसको हर समय दिखते रहें और उसकी आंखें हम पर लगी रहें, और हम उसकी आंख की पुतली के नाई हैं, और वो कोई भी चीज़ जो है हमारे अंदर नहीं जा सकती है, क्योंकि वो हमारे हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को और हमारे मन को अपने द्वारा बचा लेता है, क्योंकि वो हमारी आड़ है, हमारा बल है, हमारा गढ़ है, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जैसा कि हमने पिछली बार भी, परमेश्वर हमारे साथ है और ये तूफान जीवन में क्यों, इसके ऊपर मनन किया था, उसी से मिलता जुलता और अपनी सर्जरी से मिलता जुलता मैं ये भजन संहिता पढ़ना पसंद करूंगी, जो कि भजन संहिता 103 है। इवन तो पहले मैं चश्मे के ज़रिए भी नहीं देख पाती थी, लेकिन आज मैं चश्मे के बिना भी देख पा रही हूँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और कभी कभी हो सकता थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरा अभी लेफ्ट आई का ही ऑपरेशन हुआ है और कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको कि सफ़ेद मोतिया कहते हैं हिंदी में, उसका लेफ़्ट आई का ऑपरेशन हुआ है, और राइट आई का ऑपरेशन आफ्टर 2-3 मंथ्स हो जाएगा, और ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो हम इसी के विषय में आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो कि भजन संहिता 119 से लिया गया है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, पर सिंस मैं हिंदी में ही आप प्रचार करी तो मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और सॉरी एक आँख से थोड़ा सा कम दिख रहा है, और जो कुछ मुझ में है वो उसको धन्य कहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। तो कितने सुंदर वचन हैं, और जो बिल्कुल मेरे इस जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें बिल्कुल सटीक उतरते हैं कि उसने क्या किया है, मेरे अधर्म को क्षमा किया है, उसने मेरे रोग को चंगा किया है, और उसने मेरी जवानी को उकाब की नाई नया कर दिया है। और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, परमेश्वर के बच्चे जो हैं, वो कभी भी क्या कहना चाहिए, वृद्ध नहीं होते हैं, बुढ़े नहीं होते हैं, वो हमेशा हमेशा उकाब की नाई जो है जवान रहते हैं। तो जब मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया और दूसरे दिन जब मेरी पट्टी खुली, कल मेरी पट्टी खुली और डॉक्टर ने मुझे पढ़ने के लिए कहा, तो मैं सब कुछ पढ़ने लगी और मैंने कहा ये तो जो कई साल पहले मैं पढ़ सकती थी वो सब कुछ मैं बिना चश्मे के आज पढ़ सकती हूँ, ये कैसे हो गया, ये तो मतलब कई साल पहले तो मैं बहुत जवान होंगी और उस समय जो पढ़ सकती थी मैं, वो मैं आज पढ़ने लगी हूँ। और इससे देखिए उसका वचन कितना सजीव हो उठा, कि उसके वचन में भी यही लिखा है कि उसके लोग जो हैं वो उकाब की नाई जो क्या होंगे, जवान हो जाएंगे। तो वो हमारी जवानी हमें वापस दे देता है, हमारी सुंदरता हमें वापस दे देता है, और अगर हमारा मन सुंदर होता है, हमारी आत्मा जो है वो एकदम शुद्ध होती है, और हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं और हम परमेश्वर की छवि अपने अंदर बचाए रहते हैं, तो उसकी छवि हमारे ज़रिए दूसरों को दिखाई देती है, और इसीलिए जो है हम बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। और ये मेरे प्रियो, ये बिल्कुल सच बात है, और ये मेरे जीवन का अपना ओन अनुभव है, जो जबकि मैं पहले इतने
इतना अच्छा अपने आप को महसूस नहीं किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु की नज़दीकी में आई, एक नई सी स्फूर्ति, एक नई सी सुंदरता मेरे जीवन में आने लगी, एक नई सी शांति, एक नया हर्षोल्लास मेरे जीवन में आने लगा, और मैं इतनी ज़्यादा प्रसन्न रहने लगी और अपने आप को धन्य कहने लगी। और जो फोटोग्राफ्स, मैं आपको सच बात ही बता देती हूँ कि जो फ़ोटोज़ मैं पहले खींचती थी वो इतनी अच्छी नहीं आती थी, गंदी आती थी, लेकिन आज मैं वही फ़ोटोज़ अपनी खींचती हूँ तो बहुत ही खूबसूरत आती हैं। तो मैं सोचती हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु आपने ही मुझे ये सुंदरता दी है, ये मेरी सुंदरता नहीं है बल्कि आपकी सुंदरता है। तो मेरे प्रियो, इस बात को आप याद रखिए हमेशा कि परमेश्वर हमको हमेशा यंग और ब्यूटीफुल बना के रखता है, क्योंकि उसकी छवि हमारे अंदर आ जाती है, उसकी आत्मा हमारे अंदर आ जाती है जो हमको ऐसे सुंदर बनाती है। और मैं इस समय बहुत खुश हूँ कि रोहिणी जी भी आ गई है, और रोहिणी जी आपको बहुत प्रभु आशीष दे, और आप इतनी रात को भी जाग के हमारे वचन को सुन रही हैं फीजी से, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सो ये जो वचन आपने सुना होगा कि कितना सटीक है हमारे जीवन के लिए, और लास्ट टाइम भी हमने सुना था कि जो हमारे जीवन में तूफ़ान क्यों आते हैं, हमारे जीवन में तूफ़ान हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमारे जीवन में तूफ़ान परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं, हमारे जीवन में तूफ़ान हमें सशक्त और मजबूत और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आते हैं, और हमारे जीवन को दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बनाने के लिए आते हैं। तो जिन तूफ़ानों से हम गुज़र चुके हैं, जिन बीमारियों से हम गुज़र चुके हैं, जिन परेशानियों से और दुखों से हम गुज़र चुके हैं, वही दुख जब किसी और के जीवन में आते हैं तो हम उनके जीवन में एक ब्लेसिंग बन जाते हैं, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि जब हम तुम्हारी अवस्था में थे, जब हम आपके जैसे ही मुसीबतों से गुज़र रहे थे, तो परमेश्वर ने मेरी मदद कैसे करी थी, और परमेश्वर आपकी भी मदद करेंगे। और वो जो वचन है परमेश्वर का, अपने आप ही पवित्र आत्मा हमारे मुख में लाती है जो हम दूसरों की तसल्ली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं जब भी अपनी आँखों के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने कितना महान कार्य किया है, कि जबकि मुझे लेफ़्ट आई से बिल्कुल नहीं दिखता था, और मैं आज उसी लेफ़्ट आई से पूरा का पूरा स्नेलिन ग्राफ जो होता है फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन मैं पढ़ सकती हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं अगेन एंड अगेन मैं उसको धन्यवाद कहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जो बार्तिमियस जो अंधा व्यक्ति था बाइबल में, और वो जो था एक सड़क के किनारे एक हैकल के सामने भीख मांगा करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकले अपने चेलों के साथ, उनके पीछे बहुत भीड़ चली आ रही थी, क्योंकि सबको पता था कि बार्ती ये जो भीड़ है क्यों चली आ रही है, और बार्तिमियस भी सुन रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, और ये शोर जो है वो बहुत बुरी तरह हो रहा है, इतना शोर हो रहा है कि वो चिल्लाएगा भी तो उसकी आवाज़ प्रभु तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वो देखना चाहता था। आप सोच सकते हैं कि जब हमें नहीं दिखता है तो हम कैसा महसूस करते हैं, और वो बार्तिमियस जो है वो अंधा व्यक्ति देखना चाहता था, वो जन्म से ही अंधा था, और उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और चेले जो थे वो सब भीड़ को इधर उधर कर रहे थे, और बार्तिमियस अपनी जगह से ही चिल्ला रहा था, प्रभु यीशु मसीह को चिल्ला रहा था, पूरे अपने जोर से और अपने बल से वो चिल्ला रहा था, और प्रभु यीशु मसीह के कान में उसकी आवाज़ पहुंच गई, और उसने कहा कि उस अंधे व्यक्ति को मेरे पास लाओ। और उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आँखों को छुआ और उसको दृष्टि दे दी, उसको उजाला दिया, और वो जब उसने उजाला देखा अपने जीवन में, पहली बार जब उसने रोशनी देखी तो वो खुशी से उछल पड़ा, और वो नाचने लगा, वो गाने लगा, वो प्रभु की महिमा करने लगा, और ये वो प्रभु की उसने इतनी महिमा करी, और सारे लोग अचंभित हो गए कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी भीड़ में भी, इतने शोर में भी उसकी आवाज़ को सुन लिया। तो मेरे प्रियो, जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे
तो परेशानियों का कोई निवारण नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है, तब हम प्रभु को पुकारें और उसको पुकारें और उसको जोर से पुकारें, प्रभु हमारी दुहाई को जरूर सुनता है और वो हमारे नज़दीक आता है या हमें अपने नज़दीक बुला के हमको चंगाई देता है, हमको मुसीबत के दलदल से निकाल लेता है, जैसे उसने बारतिमियस के साथ किया। और बारतिमियस का जो अंधापन था वो बचपन से, मतलब जन्म से ही था। और जब उससे पूछा गया, जब चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, इसका अंधापन क्यों था, ये क्या इसके पापों के कारण था? क्योंकि बहुत से लोग सोचते थे कि बहुत सी बीमारियां पापों के कारण होती हैं, जैसे कि लेप्रेसी को वो सोचते थे कि जो बहुत पापी होते हैं उनको लेप्रेसी हो जाती है, कुष्ठ रोग उनको हो जाता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि पैरालिसिस है और अंधापन है, बहरापन है और दुष्ट आत्मा है, ये सब किसके कारण होती हैं? क्योंकि जो उनके अपने पाप, हमारे अपने पापों के कारण हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, ये इस व्यक्ति के पाप के कारण नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए हुई है। सो हमारे जीवन में कभी कभी दुख इसलिए आते हैं कि उससे परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का नाम जो है वो ऊंचा हो, और बहुत से लोग जो हैं उस महिमा को देखें, बहुत से लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को जान जाएं और उसकी जय जयकार करें। और इसी बात पे मुझे एक और स्टोरी याद आती है जो कि एक बहुत ही ऐसे लेखक की है, एक बहुत अच्छे गीतकार की है, जिसका नाम मैं आपको बताना पसंद करूंगी। उसका नाम था जोसेफ एम स्क्रीवन, एंड जोसेफ मेरा भी मेडन सरनेम था, इसलिए मुझे इनका नाम याद रहता है। इनका नाम था जोसेफ एम स्क्रीवन। और ये जोसेफ एम स्क्रीवन क्यों इतने मशहूर हैं? क्योंकि उन्होंने वो मशहूर गीत लिखा है जो सारे क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में गाते हैं, और वो उस गीत का नाम है यीशु कैसा दोस्त प्यारा, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। तो आप सबको पता है कि वो हमारे दुखों को उठाता है और हमारे दुखों को वो कम करता है, ऐसा दोस्त है यीशु। और व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, ऑल आवर सिंस एंड ग्रीव्स टू बेयर। सो दैट सॉन्ग वॉज रिटन बाई जोसेफ एम स्क्रीवन। जोसेफ एम स्क्रीवन का जन्म तो 1800 में हुआ था, 1819 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 1886 में। दैट मीन्स जब वो 67 ईयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। आई होप आई एम राइट, आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ्स। सो जोसेफ स्क्रीवन के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस गीत को लिखा? ऐसा क्या उनके जीवन में घटित हुआ कि उन्होंने इस गीत को लिखा? वो हुआ ऐसे कि जब जोसेफ स्क्रीवन बहुत अमीर घर को बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, वो आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरलैंड में उनका जन्म हुआ था, वहीं पे वो पढ़े लिखे थे। लेकिन जब वो बड़े हो गए तो वो कनाडा चले गए, और वहाँ उनकी मैरिज होने वाली थी, और मैरिज से पहले जो उनकी फियांसी थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और जैसे उनकी शादी कल होने वाली है, और उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों जो हैं एक पुल पर आएंगे, मतलब एक तरफ से मैं आऊँगा घोड़े पे सवार होके और एक तरफ से तुम आना घोड़े पे सवार होके। मतलब उनको एक जिज्ञासा थी कि हम अपनी मैरिज कुछ फ़र्क ढंग से करें। होती है ना हम सबको कि हम अपनी मैरिज ऐसे करें वैसे करें, कुछ लोग तो एरोप्लेन के ऊपर भी मैरिज करना पसंद करते हैं, मैंने सुना है ऐसे। तो इस तरह से क्या है कि उन लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम उस नदी के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर हम मिलेंगे और वहीं पर हम अपनी शादी करेंगे। तो एक जब उनकी फियांसी जो है वो दूसरे किनारे से पुल की तरफ आ रही थी,
तो उसके घोड़े को पता नहीं क्या हो जाता है कि उसकी टांग फंस जाती, कि क्या होता है कि उनकी फियांसी जो है वो नदी में गिर पड़ती है, और नदी में गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। और बताते हैं कि उसका सिर किसी चीज़ से टकरा जाता है और नदी में खून ही खून हो जाता है। और जोसेफ स्क्रिवन जब ये बात देखते हैं तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और वो फिर उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और कहीं और जाके वो प्रभु की सेवा करने लगते हैं और लोगों की सेवा करने लगते हैं। और ऐसे ही करते करते क्या होता है, आई एम सो सॉरी, समबडी इज़ एट द डोर, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो आई होप आप सबको सुनाई दे रहे, क्योंकि मैंने फिर से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था। ओके, सो जोसेफ स्क्रिवन की मैं बात बता रही थी। तो जब इनकी फियांसी की डेथ हो जाती है तो ये प्रभु की सेवा में लग जाते हैं, और उसी बीच में उनको पता लगता है कुछ दिनों के बाद कि उनकी मदर, उनकी उनकी माँ आयरलैंड में बहुत सीरियस हो जाती हैं, उनको बीमार, वो बहुत ही सीरियसली इल हो जाती हैं। और उनको जब ये खबर मिलती है तो वो अपनी माँ की तसल्ली के लिए, अपनी माँ को क्या कंफर्ट देने के लिए एक गीत लिखते हैं, और वही गीत ये होता है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, ऑल आवर सिंस एंड ग्रीव्स टू बेयर। और वो अपनी माँ को ये गीत लिख कर भेजते हैं, और उनकी माँ को उस गीत से बहुत तसल्ली मिलती है। और इसके बाद वो प्रभु की सेवा करते रहते हैं। फिर उनको 1860 में एक और लड़की पसंद आ जाती है, और वो जो है उससे वो शादी करना चाहते हैं, जोसेफ स्क्रिवन। मतलब कब तक वो अकेले रहते, हो सकता है प्रभु की यही योजना थी कि उनको एक जीवन साथी मिले। फिर उन्होंने जब उस लड़की से शादी करने का फैसला किया तो हुआ क्या कि कुछ महीनों के बाद उस लड़की को निमोनिया हो गया, और वो निमोनिया से उसकी भी डेथ हो जाती है। तो उनकी दो फियांसी जो हैं एक के बाद एक डेथ हो जाती है, और आप सोच सकते हैं उनके मन पे क्या बीती होगी। और वो बहुत ही हताश हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, और उसके बाद वो प्रभु की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और एक जब वो प्रभु की सेवा में दुआ में जो है घंटों लगातार वो बैठे रहते थे, और एक दिन उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, और वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मैं किसी ऐसी जगह में जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे ठंडक मिले। फिर उनके फ्रेंड्स उनको नदी के किनारे छोड़ आते हैं, नदी के किनारे जहाँ पर कि ठंडी हवाएं चल रही थी और पानी ठंडा था, वहाँ पे जोसेफ स्क्रिवन जाके बैठ जाते हैं। और जब वो वहाँ पे बैठ जाते हैं तो पूरी रात गुजर जाती है, उनके फ्रेंड उनके रूम में उनको ढूंढने जाते हैं, लेकिन जोसेफ स्क्रिवन वहाँ नहीं मिलते हैं। फिर उनके फ्रेंड्स को चिंता हो जाती है, फिर वो नदी के किनारे ढूंढने जाते हैं, फिर देखते हैं वो तो कहीं भी नहीं है, उनका फ्रेंड कहीं नहीं है। फिर वो उसको दोपहर तक ढूंढते रहते हैं, सोचिए शाम का छोड़ा दोस्त जो है वो दोपहर तक नहीं मिलता है। फिर उनको उसका शव, उसकी डेड बॉडी नदी में मिलती है, और उनका उनका फ्रेंड जोसेफ स्क्रिवन एकदम ठंडा पड़ चुका था, और वो अबव 60 ईयर्स तो था, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो मेरे प्रियो, जोसेफ स्क्रिवन के जीवन में इतना दुख क्यों आया, हम भी ये सोचेंगे। मैं भी ये सोचती हूँ कि जोसेफ स्क्रिवन जो प्रभु से इतना प्यार करता था, जो प्रभु से इतना ज़्यादा लगाव था जिसको, उसके जीवन में इतना दुख क्यों आया। सो मेरे प्रियो, ये प्रभु की योजना थी, ये प्रभु का प्लान था कि जोसेफ स्क्रिवन के जीवन में इतना दुख आए। और वो
वो उन गीतों को लिखे, उस गीत को लिखे हैं, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। और वो गीत इतने 100 साल से ऊपर हो गए हैं और आज भी वो गीत इतना फेमस है और आज भी लोग उस गीत को दोहराते हैं। 100 साल के आप तो 200 साल हो गए हैं और उस गीत को अभी भी लोग दोहराते हैं, अभी भी गाते हैं और अभी भी उस गीत को वो लोग जो हैं कितना कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। और 1869 में जोसेफ स्क्रीवन ने एक किताब पब्लिश करी और उस किताब में उन्होंने अपने 115 हिम्स को क्या प्रकाशित किया, 115 हिम्स को, जो कि सब प्रभु के संदेश पर निर्धारित थे। लेकिन उन गीतों में ये वाला गीत नहीं था, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दुख आते हैं कभी कभी परमेश्वर की महिमा के लिए, जैसे कि उस अंधे के जीवन में दुख आया था परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर की महिमा के लिए ही वो बार्टिमियस जो था वो जन्म से ही अंधा था, लेकिन जब उसके जीवन में मुक्ति आई, शांति आई, विजन आया, तो उससे परमेश्वर की महिमा हुई। इसी तरह से जोसेफ स्क्रीवन के जीवन में कितने दुख आए, उनका तो पूरा जीवन ही दुख में गुजर गया और उनका जीवन दुख में गुजर गया, लेकिन ये सुंदर गीत जो है उसकी ही उपज है और जो कि सारी दुनिया में आज गाया जाता है। सो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी दुख, मुसीबतें, बीमारियां आती हैं, लेकिन वो क्यों आती हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। इसीलिए मैंने आपको ये तीन एग्जाम्पल्स आज बताएं, एक अपना एग्जाम्पल, एक मैंने आपको बताया जोसेफ स्क्रीवन का एग्जाम्पल और एक उस अंधे व्यक्ति बार्टिमियस का एग्जाम्पल, कि ये तीनों ही जो हैं वो परमेश्वर के वर्क के लिए, परमेश्वर के योजना के अनुसार हैं, परमेश्वर के बड़े काम को करने के लिए हैं, उसकी महिमा के लिए हैं। सो मेरे प्रियो, कभी भी जब मुसीबत आए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर से ये पूछना चाहिए, परमेश्वर तेरी क्या योजना है, परमेश्वर तू क्या चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर हमको दिखा, परमेश्वर हमको दर्शन दिखा कि तू क्या चाहता है। कितने मिशनरियों की जान चली गई, कितने लोग जो हैं परमेश्वर का काम करते करते मर गए, जैसे कि स्टेन्स ग्रहम, जो कि लोगों की, कोढ़ियों की सेवा करते करते वो उनकी जान चली गई, उनको विरोधियों ने जिंदा उनकी वैन में जला दिया उनके दोनों बच्चों के साथ। उनका जीवन पूरा परमेश्वर के लिए था, पर उनका जीवन का अंत ऐसे क्यों हुआ? वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ, क्योंकि आज उस गांव में सबसे ज़्यादा चर्चेस हैं, सबसे ज़्यादा चर्चेस की स्थापना उस गांव में हुई है, जो कि मैं अभी कल या परसों ही पढ़ रही थी। तो मेरे प्रियो, जब दुख आते हैं, जब सताव आते हैं, तो वहां पर और चर्चेस बन जाते हैं, और मसीही लोग बन जाते हैं, और भी परमेश्वर का प्रचार शुरू हो जाता है। तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर समय, हर जगह और हर मिनट, हर क्षण हमारे साथ है। सो हम परमेश्वर की महिमा करें और मेरे लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद दें। और आप सब ने जो मेरे लिए प्रार्थना करी है, उसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैंने महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बगल में खड़ा होकर मेरा ऑपरेशन कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर बीच बीच में थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन की हूँ, और डॉक्टर ने कहा कि कुछ आँख में इनके पतला है, थिन है, और वो क्या चीज़ थिन थी, कॉर्निया हो सकता है, आयरिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉर्निया में कुछ भी प्रॉब्लम थी। फिर जो वहाँ पे स्टाफ नर्स थी, उसने एक बार धीरे से कहा ब्लीडिंग, और मुझे पता चल गया कि ये जो है ज़रूर कुछ खतरे वाली बात है। और मैंने तभी जीसस से प्रार्थना करी, पहले तो मैं कर ही रही थी, पर उस समय मैंने जीसस को पुकारा, मैंने कहा जीसस आप मेरा ऑपरेशन करिए, ये डॉक्टर तो कर रहे हैं पर इनके हाथों में आप अपना हाथ डाल के ऑपरेशन करिए मेरा। और उसके बाद ही ऑपरेशन जो है बहुत ही स्मूथली हो गया और सक्सेसफुल हो गया। सो प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड एंड प्रेज ऑल ऑफ यू फॉर प्रेइंग फॉर मी। थैंक यू सो मच एंड इन जीसस नेम आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी, आपके साथ के लिए, आपके, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जो भी करें अपने जीवन में आपकी महिमा के लिए करें प्रभु, और हमारा जीवन एक
एक आशीष बने दूसरों के लिए, जो दूसरे लाचार, मजबूर, बीमार और परेशान हैं, उन सब के लिए हम एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। हमको अब इस योग्य बना, हमको इस लायक बना प्रभु जी, हमको अपनी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी, और हमें अपनी नज़दीकी में हमेशा रख। हम भटक ना जाए प्रभु, हम विरोधी के भड़कावे में ना आ जाएँ, क्योंकि वो हमको अपनी तरफ खींचने के प्रयत्न करता हर मिनट पर। प्रभु जी अगर आप हमारे साथ हैं तो कोई भी विरोधी हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता है, और हम सबको जो इस वचन से जुड़े रहे और बाद में भी सुनेंगे, सबको आशीष दे प्रभु। और ब्रदर अनुपम और शबनम जी और उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे प्रभु जी, और इस विनती को सुनना कबूल कर। इसे हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सबको आशीष देती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, और जब तक हम नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे को नहीं मिलते हैं, तब तक आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। और जितने भी प्रचारक इस पेज पे आते हैं, उन सबको सुनें, और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी भी हमारे मेंबर्स हमारी आशा के विपरीत कम हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स हों, ताकि ये मैसेज बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके। तो आप लोग इस बारे में प्रार्थना करिए, और जितनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ आगरा मसीह मंडली पेज को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करिए। तो आप सबका धन्यवाद, एंड गुड नाइट, एंड गॉड ब्लेस यू, आमीन।